सुप्रीमो लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब्दुल्हा बनने की तैयारी में हैं। उनके शगुन को लेकर दिल्ली में सारी तैयारी कर ली गई है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि लालू प्रसाद यादव ने बेटे की शादी की गुपचुप तैयारियां क्यों की। सूत्रों की माने तो पिछले कुछ समय से लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब है। वे कई बार अस्पताल में उपचार करा चुके हैं, साथ ही पेरोल पर वे रांची जेल से बाहर आए थे। माना जा रहा है कि लालू यादव के स्वास्थ्य कारणों को ध्यान में रखकर तेजस्वी की शादी को तेजी से करने का निर्णय लिया गया है। परिवार को पहले से तेजस्वी और उनके होने वाली दुल्हनिया के बारे में सब कुछ पता था, इसलिए परिवार ने फटाफट शादी की प्रक्रिया को शुरू करने का निर्णय लिया। लालू यादव हाल ही में अस्पताल से उपचार कराकर लौटे हैं। वहीं शुरू में दिल्ली में लालू परिवार की ओर से किसी आयोजन की तैयारी को लेकर चल रही गहमा गहमी पर उनके पारिवारिक लोगों का कहना था कि मीसा भारती के विवाह की वर्षगांठ है। मीसा का विवाह 10 दिसंबर 1999 को हुआ था। 10 दिसंबर को मीसा शादी की सालगिरह मनाएंगी और इसी को लेकर काफी तैयारी चल रही है। तब ऐसी बातें भी हुई थी कि आखिर शादी के 22वें वर्ष में इतना बड़ा आयोजन करने का क्या मतलब है, क्योंकि सामान्यता ऐसा आयोजन 25वें साल में होता है। अब तेजस्वी की शादी की बातें सार्वजनिक हुई तो साफ हो रहा है कि मीसा के विवाह की वर्षगांठ के नाम पर तेजस्वी का मंडप सजाया जा रहा था। हालांकि गुपचुप तरीके से चल रही तैयारी का अब परत दर परत खुलासा हो रहा है।